75 साल पूरा हुआ आजादी का, तो क्या करने लगे जी, नामकरण क्या दे रहे थे, अमृत महोत्सव। अरे आजादी है अब 75वां साल और आजादी के नेता कौन है बताइए, तो बापू है, तो कहता इसको बापू महोत्सव अमृत महोत्सव कह लिखो, तुम कह देते बापू महोत्सव 75वां साल बापू महोत्सव कह देते, अमृत महोत्सव तो क्या चीज, हम साथ थे एक शब्द हम नहीं बोले, आप अच्छी तरह जान लीजिए, हम नहीं कभी सब चीज को किए कि सब फालतू चीज है बिना मतलब का नाम है, क्या लेना देना, लोग आजादी की लड़ाई में थे, आज बहुत आरएसएस एकदम हो रहा है सब कुछ देख रहा है, आरएसएस था आजादी की लड़ाई में, अब बापू की हत्या हो गई इसे कि हिंदू मुस्लिम सबको एक कर रहे थे, ये क्या हुआ था पहले, तो इसीलिए ही जान लीजिए कि किस तरह का काम इन लोगों का है, कोई आजादी की लड़ाई लड़े हैं, ये झूठ मूठ के कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर इन लोगों के हाथ में रहा ना तो आजादी की लड़ाई का पुराना इतिहास सब कोई डुबा के खत्म कर देंगे और नया नया बात शुरू करेंगे। आजादी के लिए कितना लोगों ने काम किया और आजादी की लड़ाई के लिए जो लोग लड़े, ये सब लोगों के परिवार को देने के लिए तो पहले ही था कांग्रेस का राज था तभी ना लोगों को मिला, ये लोग कोई आजादी की लड़ाई में लड़े थे उनके परिवार के लिए कुछ आगे के लिए कुछ किए हैं ये लोग, ये आजादी की बात खाली कर रहे, जितने लोग लड़े थे कोई काम नहीं। और धीरे धीरे जान लीजिए एक समय आएगा जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को भी ये लोग पीछे करने की कोशिश करेंगे,